तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से इंग्लिश का पेपर 27 अगस्त के दिन यानी कि आज के दिन होने जा रहा है, तो यह जो वीडियो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लेकर के आ चुका हूँ मैं आपको। पहले दिखा देता प्यार बच्चों जो है ना अभी के इस वीडियो में, हमें आपको पहले सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊँगा। यहाँ पर देख लेना, ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो यहाँ और भी क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ो। तो प्यार बच्चों यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड आपका 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 30 तक प्रश्न, इसमें से 25 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। तो प्यार बच्चों ऑब्जेक्टिव का तो मैंने पहले बता दिया, अगर आप लोगों को नहीं पता है ऑब्जेक्टिव का, आप नहीं देखो वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जो है ना बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए डायरेक्ट ऑप्शन बताते चलता हूँ, नोट करना। पहला का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, नोट करते चलना है। तीसरा का ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी नंबर नोट कर लेना है। चौथा का राइट आंसर डी नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर की ओर, पांचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। फटाफट से नोट करते चलिए पेन कलम निकाल करके। सातवां नंबर का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठवां नंबर का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपको सी नंबर नोट करना है। और नौवां नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर, 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है वी नंबर नोट करना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट करना है। 12 का राइट आंसर वी नंबर नोट करना है। आगे बढ़ेंगे 13 की ओर, तो 13 का राइट आंसर आपको डी नंबर नोट करना है। 14 का राइट आंसर भी डी नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे 15 की ओर, तो 15 का राइट आंसर सी नोट कर लेना है। 16 का राइट आंसर सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे 17 की ओर, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है यहाँ पर सी नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का आंसर की ऑप्शन नंबर आपको जो है बी नंबर नोट कर लेना है। 19 नंबर का ऑप्शन ही नोट करना है। 20 नंबर का ऑप्शन भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। 22 नंबर का मुझे नहीं पता है तो इसको छोड़ देना है। 23 नंबर की ओर बढ़ेंगे, 23 का ऑप्शन नंबर आपको जो है यहाँ पर डी नंबर नोट कर लेना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़िएगा तो आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर 25 नंबर है, 25 का ऑप्शन नंबर आपको जो है यहाँ पर डी नंबर नोट करना है। 26 का ऑप्शन नंबर सी नंबर नोट कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, 27 का आंसर की आपको वी नंबर नोट करना है। 28 का ऑप्शन नंबर डी नंबर नोट कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर को देख लीजिए, 29 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है। 28 का मुझे नहीं पता है, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव का भी आपको बता दिया। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लो, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न, 5 प्रश्नों का जवाब देना है। 2 नंबर वाला है, यह 10 नंबर के लिए होगा। पहला क्वेश्चन को देख सकते हो, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द पद्मा वांटेड टू ना फ्रॉम हर फादर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज जो ना इम्पोरल यायाति। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज SMS कॉन्सीवर्ड। तो देखो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का में 5 नंबर 15 में होगा। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन देख सकते हो, मैं उसका उत्तर पहले आपको दिखाता हूँ, फिर PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखोगे दिया गया, दूसरा का, तीसरा का, मतलब सारे क्वेश्चन का है। तो चलिए इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको PDF के रूप में इसको डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ। आप सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो। अरे बच्चों जो है ना, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड फिर से कर लेते हैं, मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है। 1 सेकंड प्यार बच्चों, MITHUN मिथुन स्टडी सेंटर, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग जो है सर्च कर लीजिए, 1 सेकंड, ठीक है। मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए, इसके बाद ऊपर करिए, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। अब इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास जो है 9th का सेशन मिलेगा, फर्स्ट में जो ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे। अब इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे आपको जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पर लिंक दिया गया है ज्वाइन ना पे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ पे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, सेप्टेम्बर में। चलिए नीचे आएगा तो इंग्लिश है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। अगर आंसर की वगैरह नहीं मिले तो पेज को नीचे की ओर खींचना होता है रिफ्रेश करने के लिए। नीचे आओगे तो अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैंने ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है अभी ऑप्शन मैंने ए बताया था, दूसरा का भी बताया था, तीसरा का, चौथा का, मतलब सारे क्वेश्चन का उत्तर सेम यहाँ पर दे दिया हूँ, इसको भी लिख लो, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया, सारे क्वेश्चन का उत्तर आकर के आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से लिख लीजिए प्यारे बच्चों।